Mellows, with a Mellows. This conference is being recorded. God, what a dear and dying. Ramon, we show the God, what a dear and dying. Ramon, we show the God, what a dear and young. Ramon, we show the God, what a dear and young. Ramon, we show the God, what a dear and young. Omkar, we do say, you don't tell the I am the yogina. Kamalam, Mokshadam, Jeho, Kara, Idamo. Mangalam Bhagavan Vidu Mangalam Gautamo Gani Mangalam Kunkundari Ujendar Mushtamangalam Sharva Mangal Mangalim Sharva Kalyana Kala Pradhan Sharva Dharmana Jainam Jaitu Shashana Nama Samai Sharaya Swami Bhutya Chakasate Chiswa Bhavaya Bhavaya Sharva Bhavantarachite Evo Vishasa Gopadhan Darshara शेषा में बाहिरा बाबा सभी से उनका मारो सुशाश्वत एक दर्शन दान लक्षण जीव छे बाकी बदा संयोग लक्षण भाव मुष्टि बाह्य छे हूँ एक शुद्ध सदा आरोपी ज्ञान दर्शन मैं करे कहें जिते मारू जरी परमाण मात्र नदी रे जे जान तो और अंत ने वो द्रव्य ने कर ले पड़े ते जीव जाने आप ने तो पामे लय करे नदी अप्रमत के प्रमत नदी एक नायक बाहु छे ये रीत सूद कथा इने जिज्ञात दे तो देच जम ने तो तेम ज्ञान नदी कारक नदी जाने जो कर्म दे ये जिरा बंद तेम मोक्ष ध्रुव चल ने अनुभव नदी पामे सर्वेशित ने वंदी गोम सुद के उड़ी कथिता समय प्राप्त तुस्ताव निजने मोक्ष पंथे ध्यान वो तेरे तेमाज नित्य विहार कर नई विहार पर प्रभुगी शक्ति ओम श्री नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय दस लक्षण पर्व के दस दिन में सबसे पहला दिन आज का उत्तम क्षमा धर्म का दिन है। ये दस लक्षण पर्व धर्म की आराधना के लिए आते हैं। उसमें धर्म की आराधना द्रव्य क्षेत्र काल भाव चारों तरफ से अपना उपयोग को बाहर से समेट के अपना उपयोग वान में अपना उपयोग को लाना उसको धर्म की शुरुआत कहने में आती है। ऐसे जो दस लक्षण धर्म ऐसे तो साल में तीन बार आते हैं धर्म के दिन, मगर मुख्य रूप से ये दस दिन का जो पर्व आता है वो उसकी मुख्यता रहती है। सचमुच में ये दसों धर्म चारित्र की ऊर्ध्वता होने के लिए ये दस धर्म चलते हैं। वास्तव में मुनिराज की स्थिति में ये दस धर्म की विशेषता ज्यादा होती है। मुनिराज जो होते हैं वो मुनिराज तीन कसाई के अभाव स्वरूप अपनी प्रचुर स्वसंवेदन रूप दशा में झूलते हुए रहते हैं। उसको अभी एक मात्र संजोलन नाम का कसाई बाकी है और वो संजोलन नाम का कसाई उसको ऐसा दिखता है कि अभी जाने वाला है और वो जाके उसको यथाख्यात चारित्र की वितराग दशा प्रकट होने वाली है। उसके लिए ये दस लक्षण धर्म का पर्व की महिमा उसको आती है और
विराज होते हैं उनकी स्थिति ऐसी होती है कि अगर आज ही केवल ज्ञान हो जाए तो वो देर नहीं लगाते अंदर में जाने में, और आज की जगह अभी हो जाए इतनी उसकी तैयारी रहती है। ऐसी मुनिराज की कोई अलौकिक स्थिति अंदर में चलती होती है, ज्ञान और आनंद की रमझट चलती है अंदर में। उनकी वो मुनिराज की जो स्थिति होती है वो सम्यक दर्शन पूर्वक उसकी चारित्र दशा चलती रहती है। तो सम्यक दर्शन नान चारित्राणी मोक्ष मार्ग तो चतुर्थ गुणस्थान में हो जाता है, उससे आगे बढ़ते बढ़ते श्रावक दशा आती है पंचम गुणस्थान। चतुर्थ गुणस्थान में मिथ्यात्व चला जाता है श्रद्धा में से, और अनंतानुबंधी कसाय चारित्र दशा में से चला जाता है। बाद में वो पंचम गुणस्थान में प्रविष्ट होते हैं। पंचम गुणस्थान में अप्रत्याख्यानावरणी नाम का कसाय चला जाता है, तो उनकी उग्रता से उसकी दशा की दिशा अंदर में चलने लगती है। तो वो अंदर में चलते 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 उसको इतनी संतुष्टि होती है कि बाहर से उसको शरीर के लिए क्या पोषण देना उसकी चिंता मिटनी शुरू हो जाती है। उसको व्रत बोला जाता है, उसको विकल्प ही नहीं आता। विकल्प आवे और छोड़ दे वो अलग बात है, मगर श्रावक की स्थिति भी व्रत तप नियम ऐसी हो जाती है कि उसको विकल्प दूर होने लगता है आहिस्ता आहिस्ता। बाद में पंचम गुणस्थान से आगे बढ़ के जो मुनिराज बनता है तो पंचम गुणस्थान में सामायिक चलती है उसकी, और सामायिक में द्रव्यलिंग हो जाता है उसको, और वो द्रव्यलिंग ही होने के बाद में उसकी निर्विकल्प दशा ध्यान में बैठ के जब आती है तब उसको सप्तम गुणस्थान में मुनि दशा की भावलिंगी संत की दशा प्राप्त, तब वहाँ पे तीसरे कसाय का भाव प्रत्याख्यानावरणी उसको चला जाता है। इस तरीके से अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यानावरणी और प्रत्याख्यानावरणी जो कसाय की स्थिति है वो तीन कसाय की, एक एक कसाय की क्रोध मान माया लोभ की चार चौकड़ी होती है, वो एक एक गुणस्थान में आगे बढ़ते बढ़ते वो चार 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 ऐसे तीन चला गया तो 12 कसाय की चौकड़ी खत्म हो जाती है। अभी एक मात्र उसको संज्वलन नाम का कसाय बचता है, उसकी क्रोधमान माया लोभ की चौकड़ी उसको रह जाती है। संज्वलन कसाय किसे कहते हैं कि जैसे पानी बहता चला जाता हो और उसमें कोई लकड़ी मारे तो उसमें जितनी लकीर पड़ती है वो कितनी जल्दी से इकट्ठी हो जाती है, इतना कसाय है बस उसको। अभी जाने वाला है और अभी परिपूर्ण वितराग दशा उनको प्रकट होने वाली है। ऐसे मुनिराज जो होते हैं, ऐसे आचार्य होते हैं,
वो दस लक्षण धर्म में प्रविष्ट होते हैं। दस लक्षण धर्म पांचम के दिन में एक, छठ के दिन में एक, सातम में एक, ऐसे क्षमा मार्दव आर्जव सोच सत्य संयम तप त्याग आकिंचन और ब्रह्मचर्य, ऐसे एक एक दिन में एक धर्म नहीं होते हैं, दसों धर्म साथ में रहते हैं। मगर ये दस दिन का महोत्सव के लिए एक एक दिन के एक एक धर्म कहने में आता है कि जब क्षमा होती है तो मुनिराज को उसी समय सरलता भी होती है, निर्माणता भी होती है, ये सभी धर्म एक साथ में चलते रहते हैं। मगर एक एक धर्म कहने का जो व्यवहार कहा गया है वो एक दिन में एक धर्म की कोई जीव उपासना कर सके नीचे के गुण स्थान में, चाहे गुण स्थान की परिपाटी पंचम हो, चतुर्थ हो या तो मिथ्या दृष्टि, वो भी धर्म की आराधना करे, उसके लिए ये दस प्रकार के धर्म दस दिन के लिए होते हैं। ऐसी ये मुख्यता दस धर्म की होती है। और ये जो दस प्रकार के धर्म सम्यक दर्शन के बाद ही शुरू होते हैं, सम्यक दर्शन के बाद सच्चे दस धर्म शुरू होते हैं, मगर उसकी आराधना कोई भी जीव कर सकता है। ये दस लक्षण धर्म धर्म की आराधना का मंगलमय महोत्सव है, मंगलमय महोत्सव बोला जाता है। क्या ग्रहण करना, क्या छोड़ना, किसको त्याग करना, कैसे करना, ये सब चीजें अस्ति नास्ति पूर्वक होती है। अकेला दशा में त्याग कभी नहीं होता है, त्याग धर्म की बात है, मगर नियम से ग्रहण पूर्वक त्याग होता है। जब शुद्धात्मा का ग्रहण होता है तब ही रागादि भाव का त्याग होता है। ऐसी ये दस धर्म की विशेषता है। उसमें ये पूज्य गुरुदेव श्री ने वो दस धर्म के ऊपर उसकी जो बुक है उसमें बहुत अच्छी व्याख्या आई है कि क्रोध के अभाव पूर्वक क्षमा होती है, उसकी व्याख्या ये पद्मनंदी शास्त्र में से पूज्य गुरुदेव सिंह ने कही है, बहुत अच्छी है। मैं थोड़ी पढ़ता हूँ, आप लोगों ने तो पढ़ा होगा उसको, फिर भी मैं आपको पढ़ के बताता हूँ, आपको अच्छा लगेगा। आज के दिन मंगलिक रूप से पद्मनंदी आचार्य कृत पद्मनंदी 25 में से उत्तम क्षमा का स्वरूप कहने में आता है। मूर्ख अज्ञानी जनों द्वारा बंधन क्रोध मश्करी हास्य वगैरह करने में आवे तो भी साधु अपना निर्मल और गंभीर चित्त से विकृत होता नहीं है। जिसको साधु बोला जाता है, मुनिराज बोला जाता है, उसको बाह्य से कितना भी परिश्रम होवे मगर उसको जो श्रद्धा ज्ञान चारित्र प्रकट हुआ है वो ऐसे चिपक गया है उसके त्रिकाली द्रव्य के पर कि कितना भी बार में परिश्रम होवे तो उनकी कोई असर उनको होती नहीं है। सदैव क्षमा भाव में रहते हैं, वो सदैव क्षमा भाव में रहते हैं, उसका चित कभी विकृत नहीं होता है, उसी का नाम उत्तम क्षमा बोला जाता है। व्यवहारिक क्षमा के भी प्रकार होते हैं, चार प्रकार की व्यवहारिक क्षमा भी आती है। इसमें भी आया है कि जो मैं क्रोध करूंगा तो मुझे नुकसान होगा,
तो मैं अभी सहन कर लूँ तो मेरे को भविष्य में बड़ा नुकसान होगा, अभी सहन नहीं करूँगा तो भविष्य में बड़ा नुकसान होगा, ऐसा भाव से क्षमा करे वो तो राग रूप क्षमा है, वो तो बचने के लिए करता है, स्वभाव का आश्रय है इसलिए नहीं करता है, उसको सचमुच में उत्तम क्षमा धर्म नहीं बोला जाता है। मैं क्षमा करूंगा तो दूसरी की तरफ से मुझे लाभ होगा, ऐसा कोई निदान करके क्षमा करे तो उसको निदान बंद होता है, उसको वास्तविक क्षमा नहीं होती है। ये सब शल्य है जीव के, चलते ही रहते अपने जीवन में, अपना सोचना कि कौन कौन से शल्य इसमें चलते रहते हैं अपने, तो ये सब निकालने का पर्व है। ये कितनी भ्रमणाएं जीव की पर्याय में चलती है, तो वो भ्रमणाएं एक के बाद एक चलती ही रहती है, जब तक आत्मा का आश्रय करके सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हो तब तक जीव भ्रमणा में ही राजता रहता है। एक पदार्थ को दूसरा पदार्थ मान लेता है, एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में कुछ होगा ऐसा मान लेता है, कुछ न कुछ कल्पना का संसार उसका चलता रहता है, वास्तव में अंदर क्या स्वरूप है वो कभी जीव शांत चित्त से विचार करके सोचता नहीं है। अगर सोचे विचार करे ज्ञान की ऊर्ध्वता करे तो ये मार्ग में सम्यक दर्शन की प्राप्ति करना बहुत सरल है। इस तरीके से जो शल्य चलते हैं वो कैसे चले जाए उसकी इसमें बात है। मैं क्षमा नहीं करूं तो कर्म का बंद होगा और नरक आदि दुर्गति में जाना पड़ेगा मेरे को, इसलिए मैं क्षमा करता हूं तो कर्म बंद तो अटक जाए। कर्म बंद अटके इसलिए वो क्षमा का भाव उसको चलता रहता है। सचमुच में वितरागी क्षमा के बिना कर्म बंधन कभी अटकता ही नहीं है, और वितरागी क्षमा सम्यक दर्शन पूर्वक होती है, इसलिए ऐसा नहीं होता है। क्रोधादि नहीं करना, ऐसी वितराग भगवान की सर्वज्ञ भगवान की आज्ञा है, तो तू क्रोध मत करना, ऐसी आज्ञा है और शास्त्र में भी ऐसा आया है, इसीलिए मेरे को क्षमा तो करनी चाहिए। किसी ने कहा कि तू क्रोध मत करना, इसलिए मैं नहीं करता हूं, मेरे को तो करना है क्रोध, मगर उसने कहा इसलिए नहीं करता हूं, उसको भी क्षमा नहीं बोलते हैं। ऐसी चार प्रकार की शल्य रूपी भाव जीव को मिथ्यात्व और अज्ञान अवस्था में चलता रहता। और ये वितरागी क्षमा कैसे प्रकट हुए कि जब अपने शुद्धात्मा का उसको अंदर से महिमा आवे कि ये सब होता है मगर मेरा निर्लेप तत्व, मेरा चैतन्य तत्व, मेरा ज्ञानमय तत्व, मेरा सुखमय तत्व, आनंदमय तत्व, उसमें कुछ भी ओछप नहीं होती है, परिपूर्ण रहता है, कृतकृत्य रहता है, उसमें वधघट नहीं होती कभी, ऐसा ना ऐसा चैतन्य तत्व विराजमान रहता है, ऐसा भाव उसको उदित हो जाए और उसके ऊपर अगर उसकी दृष्टि लग जाए तो उसको वास्तविक क्षमा का भाव शुरू हो जाता है। ऐसा उत्तम क्षमा का आज का प्रथम दिन है, तो अपने को ऐसी भावना करनी चाहिए कि अपना शुद्धात्मा की समझ अपने को त्वरित जल्दी से जल्दी आ जाए, और वो समझ के साथ में अपना उसके साथ श्रद्धान हो जाए, तो आत्मा का श्रद्धान होने से सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग प्रकट होवे, तब मेरी सच्ची क्षमा शुरू हो जाएगी और क्रोधादि भाव वो नष्ट हो जाएगा। ऐसी उत्तम क्षमा की व्याख्या है, मुझे गुरुदेव श्री ने इसमें बहुत स्पष्ट किया है। अपन तो थोड़ा 15-20 मिनट के लिए उसका चर्चा कर लेते हैं, अगर मुनिराज की दशा भी समझने जैसी होती है बहुत। मुनिराज तो जंगल में ही रहते हैं,
वो कहीं गांव में तो आते नहीं, अंदर में इतने स्थिरता रूप से उसका परिणमन चलता रहता है, विकल्प भी नहीं आता शास्त्र लिखने का। किसी किसी को आता है तो वो लिख के चले जाते हैं, ऐसा ये समयसार परमागम है। वो समयसार परमागम की अपने को 13वीं गाथा शुरू करनी है। सबसे पहले उसकी पहली गाथा से, यानी पहला कलश से अपन शुरू करेंगे, उसका संक्षिप्त में वर्णन अभी अपन शुरू करते हैं। बाद में 2-3 दिन में वो हो जाएगा 12 गाथा तक का, फिर अपन 13वीं गाथा शुरू करेंगे। ये समयसार परमागम जो कुंकुद आचार्य ने लिखा है और अमृतचंद्र आचार्य ने जो उसके ऊपर टीका और कलश लिखे हैं, उसमें सबसे पहला कलश ही उसने ऐसा लिखा है अमृतचंद्र आचार्य ने कि नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित स्वभावाय भावाय सर्व भावांतर छिदे। माने कि पहला कलश में ही जो चर्चा आई है कि नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते, ये समयसार स्वरूप शुद्धात्मा जो है वो समयसार 2 जगह पे होता है। एक समयसार निमित्त रूप से ये शास्त्र है, और वो शास्त्र जो अपना शुद्धात्मा को बताता है वो उपादान रूप से समयसार है, और उसको बताने वाला ये निमित्त रूप से समयसार है। ऐसा जो समयसार स्वरूप शुद्धात्मा है वो द्रव्य कर्म, नौ कर्म और भाव कर्म से भिन्न है। ऐसा शुद्धात्मा उपाधिभूत तत्व है, सारभूत तत्व है। इसकी व्याख्या पहले कलश में द्रव्य स्वभाव चित स्वभावाय भावाय नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित स्वभावाय भावाय सर्व भावांतर छिदे। माने कि चित स्वभाव माने ज्ञान स्वभाव है, स्व अनुभव से उसकी प्राप्ति होती है, और स्वानुभूतिया चकास्ते चित स्वभावाय भावाय सर्व भावांतर छिदे। बाकी के जो भी भाव है द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म, उससे पृथक द्रव्य गुण वो अपना शुद्ध स्वभाव है, वो ज्ञान स्वभावी आत्मा है, उसकी प्राप्ति करना उससे भिन्न उसको देख के, ऐसा पहला श्लोक में अमृतचंद्र आचार्य ने यहाँ कहा है। समयसार समय नाम का जो पदार्थ है वो द्रव्य कर्म भाव कर्म और नौ कर्म से रहित शुद्ध आत्मा है, उसको मेरा नमस्कार हो, वो शुद्ध सत्ता स्वरूप है, ऐसा कह के पहला कलश लिखा है। दूसरे कलश में अनेकांत की व्याख्या की है। वो अनेकांत की व्याख्या इसमें आई है, अनंत धर्मणस तत्वम पश्यन्ति प्रत्येगात्मनम अनेकांतमयी मूर्ति नित्यमेव प्रकाशता। तो इसमें स्यादवाद से अनंत धर्म, वो अनंत धर्मात्मक अनंत गुणात्मक ऐसा जो आत्मा है वो मेरा शुद्धात्मा, वो मेरा आत्मा माने कि आत्मा और शुद्धात्मा द्रव्य गुण पर्याय वाला आत्मा और उसमें रहा हुआ मेरा शुद्ध आत्मा, ऐसा अनेकांत रूप माने कि गुण से उसको देखना वो अनेकांत है और द्रव्य से उसको देखना वो सम्यक एकांत है, ऐसी दूसरे कलश की व्याख्या की। और तीसरे कलश में अमृतचंद्र आचार्य देव ने एक ऐसी बात कही कि मेरी परिणति में मेरा शुद्धात्मा विराजमान होने पर भी अभी भी मेरी परिणति कल्मासित है, मेरी परिणति अभी भी मलिन है। मलिन है उसका मतलब कि अभी भी मेरी दशा में विभाव परिणमन चल रहा है, मैं मुनिराज हूँ, मेरा प्रचुर स्व संवेदन भी चलता है, फिर भी अभी मेरी दशा में अशुद्धता का परिणमन भी चल रहा है, ऐसा तीसरा कलश में अमृतचंद्र आचार्य परपरिणति है। तो मोहनाम्नो अनुभावा
વિરચતમનું ભાવ્ય વ્યાપ્તિ કલ્માસી તાયા, કે પર પરિણતિ શબ્દ પહેલે ડાલા કે મેરી પર પરિણતિ, પર પરિણતિ માને વિકલ્પાત્મક દશા જો મુનિરાજ કી હોતી હૈ ઉસકો પર પરિણતિ બોલા જાતા હૈ. વો પર પરિણતિ મલિન હોને પર ભી સ્વ પરિણતિ અંદર મેં શુદ્ધતા રૂપ ચલતી રહેતી હૈ. એસી મુનિરાજ કો દો ધારા ચલતી હૈ. સમ્યક દર્શન હોને પર જ્ઞાની જીવ કો દો ધારા હો જાતી હૈ, એક જ્ઞાન ધારા ઓર એક રાગ ધારા. मान कि वो दो धारा चलती रहती है, उसमें राग धारा है वो पर परिणति है क्योंकि उसमें राग चलता है, और जो ज्ञान धारा है वो स्व परिणति है क्योंकि उसमें ज्ञायक भाव बसता है. इसलिए ऐसी अमृतचंद्र आचार्य लिखते हैं कि मेरी परिणति भी अभी कलमासित है, मेरी पर परिणति कलमासित है, ऐसे लिखते हैं. ऐसा तीन श्लोक लिख के फिर कुनकुदाचार्य देव की जो प्रथम गाथा है उसकी शुरुआत, उसकी टीका की शुरुआत अमृतचंद्र आचार्य भगवान करते हैं. वो पहली गाथा जो है उसमें जो सिद्ध हो गए हैं उसको पहले में पहले नमस्कार करके वो पहली गाथा की शुरुआत आचार्य भगवान ने की है कि जो ध्रुव अचल और अनुपम गति, जो गति ध्रुव है माने कि सिद्ध गति तो ध्रुव है, अभी उसमें कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है, वो अचल है, चलाचलचार से रहित है और अनुपम है. उसकी उपमा दूसरी कोई गति को कोई अवस्था को दे नहीं सकते. ऐसी जो ध्रुव अचल और अनुपम गति को जो पाकर सिद्ध परमात्मा हुए है, ऐसे सिद्ध परमात्मा को मैं वंदन करके वो श्रुत केवली बंदी कहूँ, श्रुत केवली भाषित कथिता समय प्राप्त हो, माने कि केवली को सिद्धों को और श्रुत केवली को नमस्कार करके मैं ये समय सार की शुरुआत करता हूँ, ऐसा कुनकुदाचार्य ने लिखा है. क्योंकि वो महाविदेह जाके आए, वहाँ श्रुत केवलियों के साथ भी चर्चा की, इसीलिए श्रुत केवली को भी यहाँ उसने डाला है, उसकी बात की है, उसको भी नमस्कार करके वो गाथा लिखना शुरू करते हैं. ऐसे पहली गाथा में बहुत अच्छी बात लिख के ऐसा कहना चाहते हैं कि मेरी पर्याय में तो मैं सिद्धों की स्थापना करता हूँ, मगर श्रोता की पर्याय में भी सिद्धों की स्थापना करके मैं ये पहली गाथा लिखता. मेरी पर्याय में तो सिद्धों की स्थापना मैंने की क्योंकि मेरा स्वरूप सिद्ध जैसा है, मेरा स्वभाव सिद्ध जैसा है, मेरा ज्ञायक भाव चैतन्य मूर्ति है. जो सिद्ध परमात्मा पर्याय में सिद्ध प्रकट सिद्धता की प्रकटता कर दी जिसने, वो अपना सिद्ध स्वरूप ही भगवान आत्मा अंदर विराजमान है, उसका अवलंबन लेके उसकी सिद्ध दशा की पूर्णता हुई है, तो मेरा आत्मा भी ऐसा है और जो श्रोता को मैं ये लिख के बताना चाहता हूँ वो श्रोताओं का आत्मा भी सिद्ध स्वरूपी है. इसलिए मेरी पर्याय में तो अनंता सिद्धों की स्थापना करता हूँ, मगर श्रोता की पर्याय में भी अनंता सिद्धों की स्थापना करके मैं ये परिभाषण शुरू करता हूँ. इसलिए वो भी अपना स्वरूप को सिद्ध स्वरूपी देखेगा तो उसकी पर्याय में भी शुद्धता की प्रकटता हो जाएगी. ऐसा कह के ये प्रथम गाथा की शुरुआत यहाँ पे कुनकुदाचार्य देव करते हैं. ये पहली गाथा बहुत अच्छी है, गाथाएं तो सब अच्छी होती है. आचार्य भगवान जो लिखते हैं वो आचार्य भगवान की अनुभूति की बूंद बूंद टपकती है गाथा में, तो वो अनुभूति की जो बूंद होती है ना वो गाथा सब प्रयोजनभूत होती है. कोई भी शास्त्र की कोई भी गाथा अप्रयोजनभूत कभी नहीं होती है, सभी गाथाएं प्रयोजनभूत होती है. कोई निषेध करने के लिए प्रयोजनभूत होती है, कोई आदर करने के लिए प्रयोजनभूत होती है, मगर प्रयोजनभूत सभी गाथा है, कोई गाथा अप्रयोजनभूत आचार्य भगवान लिखते ही नहीं. इसलिए सब गाथा प्रयोजनभूत है. ऐसी गाथा
पहली गाथा लिख के आचार्य भगवान यहाँ ये कहना चाहते हैं कि जो मेरा स्वभाव है वो मेरा स्वभाव जैसा शुद्ध है ऐसा ही सभी जीवों का स्वभाव शुद्ध है। स्वभाव में कोई फर्क नहीं होता, एक समय की परिणमन रूप पर्याय दशा में फर्क होता है। बाकी स्वभाव तो जैसा मेरा ऐसा सब का, जैसा सिद्ध का ऐसा मेरा, जैसा निगोद का जीव का स्वभाव है ऐसा भी ऐसा ही सिद्ध के जीव का स्वभाव है। स्वभाव में कोई फर्क नहीं होता है? कोई स्वभाव स्वभाव से कोई भी जीव को देखो तो वो ऐसा न ऐसा ऐसा न ऐसा ऐसा न ऐसा जीव दिखता है, उसकी परिणमन दशा में फर्क दिखता रहता है मगर स्वभाव में कोई फर्क नहीं होता। ऐसी पहली गाथा में ये सब बातें लिख के बाद में दूसरी गाथा से विषय शुरू करते हैं। दूसरी गाथा जो है ना, वो दूसरी गाथा में पूरा वो जीव का स्वरूप प्रमाण स्वरूप कैसा है उसकी सात बोल से सिद्धि की है उसमें आचार्य भगवान ने। प्रमाण का स्वरूप जीव का कैसा है, जीव चरित दर्शन ज्ञान स्थित स्व समय निश्चय जानवो स्थित कर्म उद्गल ना प्रदेश पर समय जीव जानवो, माने कि अपने स्वभाव में जो स्थित है उसको स्व समय कहते हैं और जो उद्गल में स्थित है उसको पर समय कहते हैं, मगर अपने चारित्र दर्शन ज्ञान में स्थित है वो स्व समय है ऐसा जो कहना चाहते हैं वो स्व समय कब होता है कि पहले तो समय होता है वो पदार्थ। देखो कोई भी पदार्थ है ना वो द्रव्यगुण पर्याय से सबर होता है, पहले में पहले प्रमाण का द्रव्य ऐसा होता है कि द्रव्यगुण पर्याय वाला होता है, सब द्रव्य द्रव्यगुण पर्याय वाला होता है, तो वो द्रव्यगुण पर्याय वाला आत्मा है वो प्रमाण की सत्ता सिद्ध करता है, उत्पाद व्यय ध्रुवयुक्तम सत्य सिद्ध करता है, गुण पर्यायवत द्रव्यम सिद्ध करता है। ऐसा एक जो प्रमाण स्वरूप आत्मा है वो यहाँ दूसरी गाथा में ये आचार्य भगवान ने बताया है कि तेरा आत्मा है उसमें द्रव्य स्वरूप है और पर्याय स्वरूप है मगर उसमें से तेरे को प्रयोजन भूत तत्व निकालना है, उसमें से तेरा द्रव्य स्वभाव निकालना है, तेरा ज्ञायक भाव निकालना है, तेरा ध्रुव सत्ता वाला भाव निकालना है। वो उत्पाद में ध्रुवयुक्तम सत्य है वो भी प्रमाण स्वरूप वस्तु है, गुण पर्याय व द्रव्य में वो भी प्रमाण स्वरूप वस्तु है, ऐसा इसमें सात बोल आया है। बहुत अच्छा है सात बोल, ये देखो इसमें लिखा है कि जीव नाम का पदार्थ एकत्व पूर्वक एक ही समय में परिणमता है और जानता भी है उसको समय कहा जाता है। इसमें ऐसा कहना चाहते हैं कि समय शब्द का अर्थ इस प्रकार है, सम तो उपसर्ग है उसके उसका अर्थ एक पणा ऐसा होता है, अयगतो धातु है उसका गमन अर्थ होता है और ज्ञान अर्थ भी होता है, अभी उसका विषय शुरू होता है। इसकी एक साथ ही युगपद जानना और परिणमन करना ये दो क्रिया एकत्व पूर्वक जो करे वो समय है, जानना और परिणमना ऐसी दो क्रिया एक साथ में एक समय में होती है उसको समय कहने में आता है, माने कि जानना भी होता है और जानने रूप परिणमन भी होता है, ऐसी दो क्रिया वहां पे चलती है उसको समय नाम का पदार्थ कहा जाता है। वो समय नाम का पदार्थ जो है वो कैसा है बाद में भी साथ बोल लेते हैं, सदाए परिणाम स्वरूप स्वभाव रहला होने से उत्पाद में द्रव्य की एकता रूप अनुभूति जिसका लक्षण है ऐसी सत्ता से सही है। इस विशेषण को जीव की सत्ता नहीं मानने वाला नास्तिकवादियों का मत खंडित हुआ और पुरुष को अपरिणामी मानने वाला सांख्यवादियों का व्यवच्छेद परिणमन स्वभाव कहने से हुआ, यानी कि इसमें एकांत मत का मतार्थ का खंडन करके सच्चे स्वरूप का मंडन की परिभाषा इसमें दी गई है कि कोई ऐसा मानता है कि मात्र परिणमन वाला जीव है, कोई ऐसा मानता है कि मात्र कुटस्थ जीव है, तो जीव अकेला परिणमन वाला भी नहीं है, जीव अकेला कुटस्थ भी नहीं है, मगर जीव द्रव्य पर्याय स्वरूप होने से वो
टिकता भी है और परिणमन भी रहता है। ऐसी प्रमाण स्वरूप वस्तु इसमें दूसरी गाथा में बताएगी। वो प्रमाण स्वरूप में से निश्चय वाला जो आत्मा निकालता है, जो चारित्र दर्शन ज्ञान स्वभाव में स्थित रहता है, उसको स्वसमय कहा, माने कि स्व को अनुसर के जिसका परिणमन होता है उसको स्वसमय कहा जाता है, और उद्गल को अनुसरण करके, कर्म को अनुसरण करके जिसका परिणमन होता है उसको परसमय कहा जाता है। ऐसा दूसरी गाथा में बता के फिर तीसरी गाथा में मूल सिद्धांत आचार्य भगवान ने दिया और गुरुदेव ने उसके ऊपर बहुत हाईलाइट किया कि एक द्रव्य दूसरा द्रव्य का कुछ भी कर सकता नहीं है। कोई द्रव्य एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं है, भोगता नहीं है, उसको वो स्पर्श नहीं करता है, उसको वो कभी उस रूप नहीं होता है, एक द्रव्य दूसरा द्रव्य रूप कभी नहीं होता है। ऐसा कहके तीसरी गाथा में मूल सिद्धांत दिया, एकत्व निश्चय गत समय सर्वत्र सुंदर रूपमा तेथी बने रिक्वादिनी बंधन कथा एकत्वमा, माने कि एक द्रव्य दूसरा द्रव्य रूप कभी नहीं होता है। बाद में चौथी गाथा जो आती है उसमें श्रुत परिचित अनुभूत, जो श्रुत का परिचय जिसने किया है उसको काम भोग बंधन की कथा तो मालूम है, मगर पर से जुदा एकत्व अपना जो है, अनंत अनंत गुणों से एकत्व और अनंत पर्यायों से विभक्त, ऐसा जो अपना चैतन्य स्वभावी आत्मा है उसका उसको पता नहीं है, ऐसा चौथी गाथा में बात करके उसमें चौथी गाथा में बहुत अच्छी बात चार विषय लेके करी है। मैं थोड़ा आपको सुन के बताता हूँ। ये जो अपन 1-12 गाथा ले रहे हैं वो सामान्य रूप से ले रहे हैं, माना कि उसकी थोड़ी एक ऊपर ऊपर से चर्चा हो जाए, बाद में अपना मूल विषय तो 13वीं गाथा में आने वाला है। तो ये जो चौथी गाथा है ना उसमें इसका भावार्थ है, इस लोक में सर्व जीवों संसार रूपी चक्र पर चढ़कर पंच परावर्तन भ्रमण करता है, द्रव्य क्षेत्र काल भव और भाव, ऐसा पंच परावर्तन रूप भ्रमण जीव का अनादि से चल रहा है। इसकी चर्चा इसमें करते हैं कि काम भोग बंधन की कथा तो सब जीव ने बहुत सुनी है, मगर उससे प्रथम अपना अनंत गुण वाला एक रूप जो आत्मा है उसकी विभक्त रूप की अनंत गुण से एकत्व और अनंत पर्याय से विभक्त और से विभक्त ऐसी कथा उसने सुनी नहीं है, तो ऐसी कथा यहाँ सुनाने के लिए आचार्य भगवान ने उद्यम किया है। वो ऐसा इसमें चार बोल से सिद्धि की है। देखो मैं पढ़ के बताता हूँ। इस लोक में सर्व जीव संसार रूपी चक्र पर चढ़कर पंच परावर्तन रूप भ्रमण करता है, उसको वहाँ मोह कर्म का उदय रूप पिशाच ओसरे चोरता है, माने कि मोह कर्म का उदय है, इसलिए वो विषय की तृष्णा रूप दाह से पीड़ित होता है। विषयों की तृष्णा जीव की चलती ही रहती है, एक विषय की तृष्णा छूटती है तो दूसरा, दूसरा की तृष्णा छूटे तो तीसरा, उसकी परलक्षी वृत्ति विषयों में आरूप संयोगों की प्रीति उसको छूटती ही नहीं है, संयोगों की प्रीति नहीं छूटती है, इसलिए आत्मा की प्रीति उसको नहीं होती है, ऐसा कहने चाहते हैं। वो पीड़ित होता है इसलिए दाह का इलाज इंद्रियों का रूपादि विषयों को जानकर उसके ऊपर दौड़ता है और परस्पर विषयों का ही उपदेश करता है, इस रीते विषयों की इच्छा और भोग ये दो कथा तो अनंत बार सुनी है, परिचय में भी आई है, अनुभव में भी आई है, मगर सर्वपर द्रव्य से भी एक चैतन्य चमत्कार स्वरूप अपना आत्मा की कथा उसका ज्ञान उसको कभी नहीं हुआ, और उसको जिसको इसका ज्ञान हुआ है उसकी सेवा कभी उसने नहीं की है और कथा भी कभी नहीं सुनी है, ना तो उसका परिचय किया है ना तो उसका अनुभव किया है, इसलिए उसकी प्राप्ति सुलभ नहीं है, दुर्लभ है। और ये पांचवी गाथा जो है उसके बाद में जो मुख्य गाथा आती है अपनी छठी गाथा, उसके पांचवी गाथा में जो बात की है कि आचार्य आगम का सेवन, युक्ति का अवलंबन, परापर गुरु का उपदेश और स्वसमय, ये चार बार पांचवी गाथा में आती है कि आगम का सेवन करना, युक्ति से अवलंबन करना, परापर गुरु का उपदेश और अपना स्वसमय, ऐसा परीक्षा करके प्रमाण करना, सब बात में हा 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 मत बोलते रहना,
खुद परीक्षा करना कि ये जो बात मुझे कही जाती है वो सही है कि नहीं, सत्य है कि नहीं, वो प्रमाण कहां से मिलेगा कि तेरा सुदात्मा से तुझको प्रमाण मिलेगा, बाहर से कोई तुझे प्रमाण नहीं मिलेगा। इसलिए तू सबसे पहले में पहले आगम का सेवन कर, युक्ति से उसका अवलंबन ले, परापर माने कि जो गुरु है उसका उपदेश ले, और बाद में अपना स्वसंवेदन करके वो परीक्षा करके उसको प्रमाण कर ले कि मैं सचमुच में कौन हूँ, मेरा स्वरूप क्या है, वो स्वरूप की मुझे प्राप्ति कैसे हो। ऐसा इसमें ये पांच बोल चौथी का पांचवी गाथा में ये दिखा के फिर जो ये गाथा छठी गाथा आती है वो समय सार की मूल गाथा है। समय सार की माने कि उसको पहली गाथा कहो कि छठी गाथा कहो, वो सबसे मुख्य गाथा छठी गाथा में पूरा विषय जैन दर्शन का आया है, द्रव्य का दृष्टि का विषय और ज्ञान का विषय, दोनों विषय ये छठी गाथा में मूल रूप से आया है। उसमें सबसे पहले अपने सवेरे भी दोपहर को भी बात हुई थी कि सबसे पहले उसमें श्रोता ने प्रश्न उठाया है शिष्य ने कि ऐसा सुदात्मा कौन है कि जिसको मुझे जानना चाहिए, को असो सुदात्मा इति चेत, ऐसा कौन सुदात्मा है कि जिसको मुझे जानना चाहिए। उसमें और उसने कुछ नहीं पूछा, सुदात्मा की ही बात पूछी है। तो ऐसा सुदात्मा की चर्चा आचार्य भगवान करके बोलते हैं कि नथी अप्रमत के प्रमत नथी, जे एक ज्ञायक भाव छे, ये रीत शुद्ध कथाएं ने जे ज्ञात ते तो तेज छे। प्रमत अप्रमत दशा माने कि एक से छः गुण स्थान वाली प्रमत दशा और सात से चौथ गुण स्थान वाली अप्रमत दशा, वो कोई भी दशा मेरे ज्ञायक तत्व में नहीं है। मैं जो परिपूर्ण ज्ञायक शुद्ध तत्व हूँ, मैं अनादि अनंत चैतन्य तत्व हूँ, मैं ध्रुव तत्व हूँ, मैं त्रिकाल तत्व हूँ, मैं ऐसा न ऐसा रहने वाला तत्व हूँ, मैं अपरिणामी तत्व हूँ। जैसे सोगाली जी को धूल लगी थी ना अपरिणामी तत्व की, है कि उसके पास कोई भी प्रश्न आवे, कोई पर्याय का भी प्रश्न आवे तो उसका जवाब उसको ध्रुव से ही देते थे वो, कि तेरी सत्ता में वो है ही नहीं, पर्याय तेरे द्रव्य में है ही नहीं, तेरे द्रव्य को पर्याय ने स्पर्श ही नहीं किया है, तेरे द्रव्य ने पर्याय ने तेरे को छुया ही नहीं है। ऐसा तू शुद्ध स्वरूपी भगवान आत्मा है, ऐसा तू अरूपी आत्मा है, ऐसा तू अपरिणामी तत्व है, ऐसा तू चैतन्य तत्व है। ऐसा जो चैतन्य तत्व है उसमें कोई प्रमत दशा की अप्रमत दशा माने कि कोई परिणमन ही उसमें नहीं है, चाहे अशुद्ध परिणमन हो कि चाहे शुद्ध परिणमन हो, चाहे विभाव रूप परिणमन हो कि चाहे स्वभाव रूप परिणमन हो, कोई भी परिणमन रूप दशा ये ज्ञायक तत्व में, चैतन्य तत्व में, ध्रुव तत्व में सचमुच में है ही नहीं। ऐसा ये छठी गाथा का भाव बताते हैं। और छठी गाथा में सबसे पहले पैराग्राफ में दृष्टि का विषय की चर्चा की है कि जो खुद अपने से ही सिद्ध होने से, अपने से ही जो खुद सिद्ध होने से कोई से उत्पन्न नहीं होता और कोई से उसका नाश भी नहीं होता, क्योंकि वो अनादि सत्ता रूप है। जैसा है जैसा है जैसा है वैसा न वैसा, वैसा न वैसा वैना वैसा न वैसा शुद्ध तत्व रहता है। इसलिए वो कभी उत्पन्न नहीं होता है, ये वो कभी उसका नाश भी कभी नहीं होता है। वो अरूपी अनादि अनंत तत्व है, वो तत्व अपरिणामी तत्व, वो अपने से ही शुद्ध है और अपने से ही सिद्ध है। ऐसा जो तत्व है वो नित्य उद्योग रूप होने से, वो क्षणिक नहीं है। नित्य उद्योग रूप माने कि प्रत्येक नित्य 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 टिकता हुआ, नित्य उद्योग रूप माने कि सदाए ऐसा ऐसा रहता हुआ, सदाए परिपूर्ण रहता हुआ, सदाए एक रूप रहता हुआ, सदाए वेद रहता हुआ, सदाए पंड रहता हुआ, ऐसा अपरिणामी तत्व शुद्ध तत्व है। वो मैं ज्ञायक भाव हूँ, वो मैं चैतन्य तत्व हूँ। उसमें कोई प्रमत दशा की अप्रमत दशा माने कि एक से छः गुणस्थान वाली दशा या सात से चौदह गुणस्थान वाली दशा, वो गुणस्थान अतीत परमात्मा शुद्ध चैतन्य तत्व है, वो मैं हूँ। मुझे गुरुदेव श्री बोलते हैं ना कि तू परमात्मा हो ऐसा नक्की कर ले, तू परमात्मा हो ऐसा निर्णय कर ले, तू परमात्मा हो ऐसा अनुभव कर ले। वो परमात्मा कौन सा तो ये ज्ञायक भाव, ये छठी गाथा वाला ज्ञायक भाव, छठी गाथा वाला अपरिणामी तत्व,
उसका नक्की कर, उसका निर्णय कर, तो दूरो उसका अनुभव तुझे होगा होगा नहीं होगा। ऐसा एक नायक भाव यहाँ बताते हैं कि वो कभी उत्पन्न नहीं होता, वो कभी नाश नहीं होता, फिर भी उसको संसार अपेक्षा से संसार की दशा में जो यहाँ कहने लगा संसार की अवस्था में अनादि बंद पर्याय की निरूपणा की अपेक्षा से सीर नीर की जेब कर्म पुद्गलों के साथ एक रूप होने पर भी द्रव्य का स्वभाव की अपेक्षा से देखने में आवे तो तुरंत कसाय चक्र का उदय की कसाय समूह का अपार उदय की विचित्रता के बस प्रवर्तता जो उन पाप को उत्पन्न करने वाला समस्त अनेक रूप शुभ स्वभाव उसका स्वभाव पर परिणमता वो उसका स्वभाव रूप परिणमता नहीं है। सुभाषुभ भाव रूप नायक भाव कभी होता नहीं है। अगर एक समय भी सुभाषुभ भाव रूप हो जाए तो वो जड़ हो जाए, इसलिए कभी सुभाषुभ भाव रूप को हुआ ही नहीं है। उसको कर्म का बंध है, प्रति समय में सुभाषुभ भाव उसकी दशा में चलता है, उसके निमित्त से कर्म के बंध भी होता है, बाद में वो बंध है उसका उदय भी आता है, फिर उसमें जुड़े तो फिर नया बंध भी होता है। ऐसा चक्कर चलने पर भी नायक भाव तो ऐसा न ऐसा ऐसा न ऐसा ऐसा न ऐसा रहता है। ऐसा नायक भाव इसमें बताना चाहते हैं और कहते हैं कि समस्त अन्य द्रव्यों का भावों से भिन्न रूप से उपासना में आता उसको शुद्ध कहने में आता है। वो नायक भाव शुद्ध तो है मगर उसको शुद्ध कैसे कहा जाए कि अन्य द्रव्य है, पुद्गल द्रव्य है, उसपे कर्म की सत्ता है, उससे भिन्न रूप अपने नायक भाव की उपासना जो करता है उसको सचमुच में वो शुद्ध है ऐसा पता चलता है। शुद्ध तो है द्रव्य, त्रिकाली द्रव्य शुद्ध तो है मगर वो किसको पता चलता है कि अन्य द्रव्य का भाव से अपना लक्ष्य उठाकर अपने त्रिकाली द्रव्य में अपनी स्थापना करे तब उसको शुद्ध है ऐसा पता चलता है तो उसको शुद्ध कहने में आता है। ऐसा ये पहले पैराग्राफ में छठी गाथा में त्रिकाली द्रव्य की चर्चा करके फिर ये दूसरा पैराग्राफ जो है वो थोड़ा प्रयोग का पैराग्राफ है। दूसरा पैराग्राफ है ना वो प्रयोग का पैराग्राफ है। देखो इसमें लिखते हैं वड़ी दायना बढ़वा योग्य पदार्थ का आकार थवा की अग्नि को दहन कहने में आता है तो भी दायक्रत अशुद्धता उसको नहीं है। इसमें दृष्टांत दिया है कि जैसे अग्नि जो होती है ना अग्नि जलती है तो उसमें आप लकड़ा डाल दो तो जैसा लकड़ा का आकार होगा ऐसा अग्नि का आकार दिखने लगेगा। अग्नि में जलाने के लिए लकड़ा डालो या तो कोई भी पदार्थ डाल दो तो ऐसा आकार अग्नि का हो जाएगा, अग्नि ऐसे आकार से दिखने लगेगी। बढ़वा योग्य पदार्थ का आकार रूप होने से, बढ़वा योग्य पदार्थ क्या है लकड़ा है और बढ़वा योग्य पदार्थ का आकार क्या होता है अग्नि हो जाती है। तो अग्नि बढ़वा योग्य पदार्थ जो है उसके आकार रूप हुई तो ये जो बढ़वा योग्य पदार्थ है उसके आकार रूप अग्नि हो गई तो वो उसके कारण से ही अग्नि ऐसी हो गई ना। अगर वो वहां नहीं होता तो ये कैसे ऐसी हो जाती अग्नि, ऐसा इसमें कहना चाहता है। तो भी उसको ज्ञेयकृत अशुद्धता नहीं है, तो भी लकड़ा का उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं है ऐसा इसमें बताना चाहते हैं। देखो ये मैं दृष्टांत देता हूं, ये जो पेन है ना पेन इसको बोलते हैं एक पदार्थ बोलते हैं पदार्थ, इसको ज्ञेय बोलते हैं ज्ञेय और यहां ज्ञान है, ये ज्ञेय है और यहां ज्ञान है। अपन उसमें सिद्धांत में चले जाते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है इसलिए ये मैं थोड़ा विस्तार से आपको बोलता हूं, आगे की बातें तो सब चली गई। ये ज्ञेय है और यहां ज्ञान है। अभी ये ज्ञेय है, ये ज्ञेय का आकार तो इसमें है, ये ज्ञेय का आकार तो ज्ञेय में है। अभी ये ज्ञेय का आकार कैसा है, ये लंबा है, ये गोल है, तो ये ज्ञेय का आकार ज्ञेय में है। ये ज्ञेय पदार्थ क्या है, ज्ञेय किसे बोलते हैं, जानने योग्य पदार्थ को ज्ञेय कहा जाता है, तो ये ज्ञेय है बराबर है। और यहां ज्ञान है, यहां ज्ञान का स्वच्छता है ज्ञान की,
ज्ञान का जान्य रूप स्वभाव है और ज्ञान की यहाँ स्वच्छता है और ये ज्ञेय है। अभी ये ज्ञेय है ऐसा ज्ञान में पता चलता है कि यहाँ ज्ञेय है और ये ज्ञेय कैसा है, ये लंबा है, ये गोल है, ये पता चलता है। तो शास्त्र में भी क्या आता है कि ये ज्ञेय है, इसका यहाँ जानना हुआ, ये ज्ञेय ऐसा है ऐसा जानना हुआ। तो ये ज्ञेय है ऐसा जानना हुआ, वो ज्ञान में हुआ जानना। अभी शास्त्र में ऐसा भी आता है कि ये ज्ञेय का यहाँ प्रतिबिंब हुआ, ज्ञेय का यहाँ प्रतिभास हुआ, तो ज्ञान में ऐसा आकार बन गया। ज्ञेय का यहाँ प्रतिभास हुआ तो ज्ञान में ऐसा आकार बन गया। अभी वो ज्ञेय का यहाँ प्रतिभास हुआ इसलिए यहां ज्ञान में ऐसा आकार बना, जैसे लकड़ा अग्नि में गया इसलिए अग्नि का आकार लकड़ा जैसा हो गया, तो वो अग्नि के कारण से हुआ, अग्नि के निमित्त से हुआ। अग्नि यहां लकड़े से हुआ अग्नि का आकार, कि लकड़े के निमित्त से हुआ, कि लकड़ा यहां दिखने लगा अग्नि में इसलिए यहाँ आकार ऐसा हो गया। जैसे ये ज्ञेय है, ये बॉल पेन है, तो ये इनके हिसाब से यहाँ ऐसा आकार हुआ, इनके कारण से यहाँ ऐसा आकार हुआ ज्ञान में, कि ये यहाँ प्रतिभासित हुआ इसलिए यहाँ ज्ञान में ऐसा आकार हुआ। कोई ने कोई प्रकार से जो ज्ञेय की अपेक्षा कुछ ज्ञान में आ गई तो ज्ञान स्वाधीन नहीं रहता है, ज्ञान स्वतंत्र नहीं रहता है, ज्ञान पराधीन हो जाता है। दूसरी बात कि ये ज्ञेय है तो यहां ऐसा आकार ज्ञान में अपने से हुआ है, तो अपने से आकार हुआ है तब बाहर में ज्ञेय ऐसा ही होता है, उसके सामने हो या तो उससे कितना भी दूर हो, मगर ज्ञेय की अस्थि होती है कहीं ना कहीं। अपने को कोई चीज जानने में आवे तो वो अपन तो ऐसा सोचते हैं ना कि ये आंख ने देख लिया और जान लिया, वो तो अपना सवेरे का भी सही है प्रवचन सार का, इंद्रियों से आत्मा जानता है कि नहीं जानता है, मगर सचमुच में इस तरीके से इसका जानना होता ही नहीं। देखना स्वयं ज्ञान में अपनी योग्यता से, अपने षटकारक से, अपनी उपादानगत शक्ति से वहां ऐसा ही परिणमन होता है जैसा बाहर में ज्ञेय होता है। ये निरपेक्षता है ज्ञान की सत्रुप, ज्ञान की सत्रुप निरपेक्षता है और यहां ज्ञेय की भी सत्रुप निरपेक्षता है। दोनों में इसका कुछ आदान प्रदान यहां नहीं है और ज्ञान कभी ज्ञेय तरफ जाता नहीं है, ज्ञेय कभी ज्ञान में आता नहीं है, ज्ञेय ज्ञेय रूप रहता है, ज्ञान ज्ञान रूप रहता है, एक दूसरे को बिल्कुल संबंध नहीं है, माने कि जानने का संबंध भी नहीं है उसके साथ, क्योंकि जब तक इसको जानने का संबंध रखेगा तो अपने आत्मा को जानने का संबंध छूट जाएगा। इसलिए ये पदार्थ पृथक है और यहां ज्ञान है वो पृथक है, यहां आकार होता है वो स्वतंत्र होता है। आकार माने स्वरूप, आकार माने कोई यहां ये पेन है वो नहीं दिखती है ज्ञान में, ज्ञान में ज्ञान का स्वरूप दिखता है, वो ज्ञान में ज्ञान का स्वरूप दिखता है तो उसको पता चलता है कि बाहर में ऐसा नहीं है। इनकी कोई अपेक्षा नहीं होती ज्ञान को, इनका कोई कारण नहीं होता ज्ञान में, इनका प्रतिबिंबित होता है, इनका उपासन होता है, इनकी झलक होती है ज्ञान में, वो भी व्यवहार है और वो भी इसकी तरफ से है। ज्ञान को कुछ लेना देना नहीं इनके साथ में, ये जो है वो अपना ज्ञेयत्व प्रदर्शित करे ज्ञान में तो वो तो इनकी बात है। मेरे ज्ञान में इनका ज्ञेय प्रदर्शित होवे, इनका ज्ञेय प्रदर्शित नहीं होवे, मेरा ज्ञान का तो जानना स्वभाव है और जानने में जो आता है ऐसा बाहर में नियम से होता है, कहीं ना कहीं उसकी सत्ता होती है,
इसने दूसरे पैराग्राफ में जानने की सत्ता सिद्ध करते हैं। कोई पदार्थ ज्ञेय ज्ञान रूप होता नहीं और ज्ञान कभी ज्ञेय रूप होता नहीं, ऐसी दोनों पदार्थ की स्वाधीनता है। प्रतिभास देख के भ्रमणा होने लगती है कि ये पदार्थ मेरे में आ गया, ये पदार्थ के कारण मुझे कुछ नुकसान हुआ, ये पदार्थ नहीं यहाँ होता तो ऐसा ज्ञान होता ही नहीं, ऐसी भ्रमणा होती है। ज्ञान का स्वतंत्र सटकार से ऐसा होने का स्वभाव है, तब वहां ज्ञेय निमित्त रूप से होता है हाजर खाली, उसकी हाजिरी है, उसकी हयाती है, उसकी हयाती है, इसके लिए यहां कुछ हो जाता है, ऐसी ज्ञेयकृत अशुद्धता ज्ञान को कभी होती ही नहीं है। अगर ऐसा होवे तो ज्ञान की स्वाधीनता ही छूट जाए, ज्ञान पराधीन हो जाए, ऐसा पर नहीं होवे तो ज्ञान में जानना ही छूट जाए, ऐसा नहीं होता है। ऐसा ये छठी गाथा में दूसरे पैराग्राफ में ये बताते हैं कि ज्ञेय के कारण ज्ञान नहीं होता और ज्ञान कभी ज्ञेय की तरफ जाता नहीं, दोनों सत रूप स्वतंत्र अपने अपने से है। ऐसा लिखते हैं कि बलवायु पदार्थ का आकार थवाती अग्नि ने दहन कहवाई है तो पर दायित्व असुद्धता तेरे नहीं, देवी रीते ज्ञेयाकार इस तरह के से ज्ञेयाकार होने से वो भाव को नायक बड़ा प्रसिद्ध है तो भी ज्ञेयकृत अशुद्धता उसको नहीं है, क्योंकि ज्ञेयाकार अवस्था में ज्ञायक रूप से जो जानने में आया वही स्वरूप प्रकाशन की अवस्था में भी दीवा की जैसे कर्ता कर्म का अनन्य पदा होने से ज्ञायक ही है। इसमें तो बहुत प्रयोग की व्यवस्था है, ज्ञेयाकार अवस्था में ज्ञायकपणे ज्ञात हुआ, बाद में स्वरूप प्रकाशन की अवस्था में कर्ता कर्म का अनन्यपना हुआ, वो ज्ञेयाकार अवस्था में ज्ञायक रूप से ज्ञात हुआ, वहाँ उसको निर्णय की भूमिका है। स्वरूप प्रकाशन की अवस्था में कर्ता कर्म का अनन्यपना हुआ वो अनुभव की व्यवस्था है। ये सब चीज़ें ये छठी गाथा में बहुत अच्छी तरह से इसमें आई है। उसका भावार्थ में भी लिखा है कि अशुद्धपणा परद्रव्य के संयोग से आता है, परद्रव्य का संयोग होता है तो अशुद्धपणा यहाँ होता है। मूल द्रव्य तो अन्य द्रव्य रूप होता ही नहीं, त्रिकाली द्रव्य अन्य द्रव्य रूप नहीं होता, मगर अशुद्धता जो ऊपर होती है पर्याय में वो परद्रव्य के लक्ष्य से परद्रव्य के निमित्त से होती है। वो पर्याय को एक पर्याय को दूसरी पर्याय के साथ में, जीव की पर्याय को जड़ की पर्याय के साथ में निमित्त नैमित्तिक संबंध है, दोनों द्रव्य को कुछ संबंध नहीं है, दोनों की पर्याय को निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है। इसलिए यहाँ लिखते हैं अशुद्धपणा पर द्रव्य के निमित्त से संयोग से आता है, मूल द्रव्य तो ऐसा में ऐसा ही उसी समय भी रहता है, और द्रव्य दृष्टि से तो द्रव्य जो है वही है, द्रव्य दृष्टि से तो द्रव्य वही है, मगर पर्याय अवस्था की दृष्टि से देखने में आवे तो मलिन दिखता है। उस रीति से आत्मा का स्वभाव तो ज्ञायकपना मात्र है। ये भावार्थ में भी जो टीका में जो आया है उसी का विस्तार है, उसका स्पष्टीकरण है। इसके बाद में सातवीं गाथा आती है, इसमें पर्याय भेद का निषेध है प्रमत प्रमत दशा का, और सातवीं गाथा में गुण भेद का निषेध है। उसमें चारित्र दर्शन ज्ञानपण व्यवहार कथने ज्ञानी ने चारित्र नहीं दर्शन नहीं नहीं ज्ञान ज्ञायक शुद्ध छे, ऐसा करके चारित्र दर्शन ज्ञान ऐसा गुण का भेद भी अगर तेरी दृष्टि में आता है तो तुझे शुद्धात्मा दृष्टि में नहीं आता है, ऐसा भेद का गुण भेद का निषेध। और यहाँ छठी गाथा में पर्याय भेद का निषेध है, ऐसा पर्याय भेद का निषेध करके द्रव्य की तरफ जाना और गुण का भी भेद का निषेध करके मैं त्रिकाली शुद्ध शाश्वत तत्व हूँ उस तरफ अपना वलन चला जाए, उस तरफ अपनी प्रीति चलने लगे तो उसको प्रतीति आने का अवकाश शुरू हो जाता है। ऐसा इसमें आचार्य भगवान ये एक से सात गाथा में, पहली गाथा में सिद्धों को वंदन करके, दूसरी गाथा में सात बोल से प्रमाण के द्रव्य की सिद्धि करके, तीसरी गाथा में एक द्रव्य दूसरा द्रव्य का नहीं करता है वो बता के, चौथी गाथा में श्रुत परिचित अनुभूत काम भोग की गाथा बंधन की कथा सबको माने कि प्रचलित है मालूम है मगर उससे जुदा अपना अनंत गुणात्मक एक तत्व उसने कभी
देखा नहीं जाना नहीं, इसलिए उसका उसको पता नहीं है। और पांचवी गाथा में कहा कि तू कुछ भी होवे आगम का सेवन कर, युक्ति से अवलंबन ले, गुरु का उपदेश सुन और स्वसंवेदन से तेरा आत्मा को प्रमाण कर ले। ऐसा करके छठी गाथा लिखी। और छठी गाथा में दृष्टि का विषय पहले पैराग्राफ में बताया, दूसरे पैराग्राफ में ज्ञान का विषय बताया, और ज्ञान और दृष्टि का सुमेर करके जो त्रिकाली द्रव्य तरफ श्रद्धा और ज्ञान को ले जाता है उसको अनुभूति होती है। और अनुभूति होती है तब भी वो अनुभूति मेरे से भिन्न है ऐसा मैं द्रव्य हूँ ऐसा जानता मानता रहता है, ऐसा छठी गाथा का प्रकरण है। और उसके बाद में जो ज्ञानी होता है उसी की गुणभेद की चर्चा है, क्योंकि ज्ञानी होने से पहले गुणभेद उसको होता भी नहीं है और गुणभेद की दृष्टि भी उसको होती नहीं है, क्योंकि उसको गुण ख्याल में ही नहीं आता है। इसलिए सबसे पहले पर्याय भेद का निषेध करके जो जीव ज्ञानी हो जाता है वो ज्ञानी को ऐसा विचार आता है कि मैंने मेरा त्रिकाली द्रव्य को दृष्टि में लिया फिर भी मेरा परिपूर्णता क्यों नहीं होती, इसलिए वो एक एक गुण की शोध करता है कि ये मेरा ज्ञान गुण अधूरा क्यों रह गया, मेरा चारित्र गुण अधूरा क्यों रह गया, श्रद्धा तो पूरी हो गई मगर ये गुण क्यों रह गया। इसलिए वो चारित्र का भेद करता है, ज्ञान का भेद करता है, एक 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 गुण का भेद करके वो विचार करता है। तो वो भेद का जब निषेध ज्ञानी करता है गुण के भेद का, तब वो फिर से सदुपयोग उसको आता है। ऐसी चर्चा सातवीं गाथा में आई है। ऐसे एक से सात गाथा का ये समय सार का प्रकरण है। अभी बाद में ये आठ से बारह गाथा का प्रकरण अपन ले लेंगे और बाद में अपनी जो तेरहवीं गाथा है वो मूल है उसको शुरू करेंगे। इसमें क्या है कि ये मेन छठी गाथा है और बाद में ग्यारहवीं गाथा मेन है। वैसे सब गाथा है मगर ये दोनों गाथा ज़्यादा, माने कि गुरुदेव ने भी ग्यारहवीं गाथा में बहुत विस्तार किया और गुरुदेव को भी जब अनुभूति हुई तो उसमें ग्यारहवीं गाथा उसको निमित्त हुई थी, इसलिए वो बहुत प्रयोजनभूत गाथा है। उसमें चारों व्यवहार का निषेध किया है और अकेला शुद्ध नहीं से शुद्धात्मा को बताया है, ऐसी ग्यारहवीं गाथा है। और उसके बाद में जो बारहवीं गाथा आती है वो ज्ञानी का सविकल्प दशा का परिणमन, किसी किसी को किसी किसी वक्त पर जाना हुआ प्रयोजनवान व्यवहार कैसा है वो बता के फिर उसकी पहली पीठी का रूप बारह गाथा की पूर्णाहुति करके फिर नव तत्व का नाम दिया है तेरहवीं गाथा में। जैसे एक से पांच गाथा तक जीव का नाम नहीं आया, छठी गाथा में उसका ज्ञायक नाम आया, ऐसे तेरहवीं गाथा में नव तत्व की शुरुआत जीव अजीव पुण पाप आश्रोपन सवन निजरा मोक्ष ऐसे नव तत्व बताकर तेरहवीं गाथा लिखी है। और बाद में एक एक अधिकार का विस्तार समय सार में आया है और बाद में आखिरी में मोक्ष अधिकार पूरा होकर सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार लिखा है आचार्य भगवान ने। ऐसी ये समय सार की परिपाटी है। ऐसा ये सभी भवी जीव ऐसा अपना नायक भाव को समझ कर अपनी मोक्ष मार्ग की परिणति प्रकट करें। ऐसी मंगल भाव volunteers are waiting outside, कल पूजा की तैयारी करनी है तो हम